सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं नाम दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। तो जी हाँ गाइज, फिर से हम ले आए हैं 5 मेजर प्रॉब्लम्स जब आप ब्लेंडर को शुरू करते हैं तो कौन कौन सी वो प्रॉब्लम्स आती हैं। ये है हमारा पार्ट 2। जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा हो जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 मेजर प्रॉब्लम्स बताए हैं जब भी आप ब्लेंडर को शुरू करते हैं या फिर एज अ बिगिनर, फिर आप किसी भी सॉफ्टवेयर से ब्लेंडर में स्विच करते हैं, उस टाइम जो आपको इशूज़ आते हैं उनको मैंने वहाँ पर एड्रेस करा है, तो जाके आप देख सकते हैं। जी ये है पार्ट 2। तो इसमें हम बात करने वाले कुछ और इशूज़ के बारे में। और एक चीज़ और गाइस, आप अपने इशू नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, तो मैं वहाँ पर आपके इशू को नेक्स्ट पार्ट मैं जरूर एड्रेस करूंगा। ऑलराइट, तो बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 की। पहला जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली होता है कि लोगों को स्प्लिट करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। स्प्लिट से मेरा क्या मतलब है कि आपको विंडोज स्प्लिट करने में बहुत इशू होता है। देखिए बेसिकली स्प्लिट करने का फंडा क्या, आपको यहाँ जाना है, जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे आपका कर्सर चेंज हो जाता है और जैसे ही कर्सर चेंज हुआ आपको जैसे यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर देना है। ऑलराइट, ये आपका ऐसे ड्रैग हो गया। वैसे ही अगर यहाँ पे दोबारा जाऊँगा और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इसको फिर से स्प्लिट कर लेंगे। स्प्लिट करना बहुत ही ईजी है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आप इसको मर्ज करना चाहते हैं और मर्ज करते टाइम क्या होता है, जैसे आप इसको मर्ज करते हैं उसके दूसरा आपका खुल जाता है, जैसे आप मर्ज करते हैं फिर आपका दूसरा खुल जाता है। तो क्या करें कि उसको हमको ये प्रॉब्लम्स ना आए, तो आपको क्या करना है, आपको जैसे इस पर जाना है और उस पर होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद फिर आपको नीचे ड्रैग करना है। ओके, जैसे ही आप इस पर कॉर्नर पर जाएंगे आपको उसके कॉर्नर पर क्लिक करना है, उसके बाद होल्ड करना है, फिर आपको ड्रैग करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे को ड्रैग हो जाएगा। ध्यान रखिएगा वहाँ पर जाना है आपको, जाने के बाद आपको उस पर पहले क्लिक करना है, पहले नीचे को नहीं दबाना है, पहले आपको क्लिक करना है फिर आपको नीचे को करना है। जैसे आप उसे क्लिक करके फिर नीचे को करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। अगर आप डायरेक्टली इसको ऐसे ड्रैग करोगे तो आपकी नई विंडो खुल जाएगी। पहले आपको क्लिक करना है, देन आपको ड्रैग करना है, क्लिक करना है, देन आपको ड्रैग करना है। और आप यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हैं, आपको इधर करेंगे लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट वाले के साथ मर्ज हो जाएगा, राइट करेंगे तो राइट वाले के साथ आपको मर्ज हो जाएगा। ओके, एंड इसका फायदा क्या होता है स्प्लिट करने से, मान लीजिए मैंने उसको स्प्लिट किया तो यहाँ पे अब हम कोई दूसरी विंडो यहाँ पे चला सकते हैं, तो हम पे सेम स्क्रीन पे दो दो विंडोज होते तो हमको काम करने में आसानी होती है। ऑलराइट, अब एक दूसरा तरीका बता दो कैसे आप इसको थोड़ा और इजी वे में स्प्लिट कर सकते हो। तो कभी भी आपको अगर अपनी विंडो स्प्लिट करनी है तो आपको जाना है अपने कॉर्नर पे, ठीक है, कॉर्नर पे जाके राइट क्लिक करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा वर्टिकल स्प्लिट एंड हॉरिजॉन्टल स्प्लिट। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक लाइन आ जाएगी, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ये स्प्लिट हो जाएगा। ओके, ऑलराइट, फिर से करते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इससे हमको हॉरिजॉन्टल चाहिए तो हम यहाँ पर लाइन बनाएंगे, और आप कहीं बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं फिर यहाँ बना सकते हैं। यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर स्प्लिट हो गया। एंड वैसे ही जब आपको इनको मर्ज करना है तो मर्ज करते टाइम भी आपको क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे लिखा है ज्वाइन एरिया। और ज्वाइन एरिया से पहले मैं आपको एक ऑप्शन और बताना चाहता हूँ, स्वाइप एरिया। अभी स्वाइप एरिया कैसे काम करते हैं, देखो स्वाइप एरिया क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास शेडर एडिटर है और यहाँ पे आपके पास इमेज एडिटर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब जैसे हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, अगर आप उसको चाहते हैं कि मेरा जो शेडर एडिटर है वो नीचे आ जाए और इमेज एडिटर हमारा ऊपर पहुंच जाए, तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने कहेंगे स्वाइप एरिया, तो एरिया हमारे स्वाइप हो जाएंगे। ऑलराइट, एंड अगर आपको मैनुअली ज्वाइन करने एरिया तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे ज्वाइन एरिया, तो आपको बता देगा कहाँ करना है, नीचे से ऊपर करना है या ऊपर से नीचे करना है। तो जहाँ भी आप करेंगे वहाँ पर आपके एरिया जो है वो ज्वाइन हो जाएंगे। ऑलराइट, तो बहुत नॉर्मल सा इशू है बट बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है इसमें, तो इसलिए मैंने इसको एड्रेस किया। बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। नेक्स्ट प्रॉब्लम है सेटिंग द कैमरा। अब ये प्रॉब्लम क्यों है, देखो होता क्या, जब भी आप ब्लेंडर में नए होते हैं और आपके पास जो कैमरा होता है बाय डिफॉल्ट वो कुछ ऐसा दिखता है, जैसे हम 0 प्रेस करेंगे तो ये हमारा कैमरा व्यू है। अब देखिए वैसे तो ये कैमरा व्यू एकदम परफेक्ट है, ठीक है, 50 mm का इसका कैमरा का लेंस होता है और ये कम से कम हमारा प्रोफाइल शॉट होता है जो बेसिकली ज़्यादा टॉप दिखाता है, और एक हमारा पर्सपेक्टिव शॉट है जो कि एक बेसिक रेंडरिंग के लिए हमारे लिए सही है। बट हर टाइम हमारी ये सेम रिक्वायरमेंट नहीं होती, कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हमें फ्रंट से लेना है कैमरा, कभी हमें क्लोज करना है। अब होता क्या है कि आप इसमें जूम करेंगे तो आप जूम भी नहीं कर पाते, ओके, एंड अगर आप रोटेट करना चाहेंगे तो आप कैमरे से बाहर आ जाते हैं। तो क्या करना होता है आपको, ठीक है, अब आपको जो बाय डिफॉल्ट कैमरा है वो तो कुछ ऐसे ही मिलता है, बट हमको बाय डिफॉल्ट कैमरा नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जैसे भी आपको एंगल चाहिए ब्लेंडर में, जिस तरीके का भी एंगल चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे कुछ ऐसा एंगल चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरी टोकरी कुछ ऐसे दिखे, थोड़ी सी ऐसे, ठीक है। अगर आपको जहाँ भी लगे कि ये एंगल मुझे सही लग रहा है, बस आपको अपने वो एंगल सेट कर लेना है। जैसे आपको लगेगा हाँ ये एंगल मिल रहा है ठीक है, आपको क्या प्रेस करना है, Ctrl Alt 0। और जैसे आप Ctrl Alt 0 प्रेस करेंगे तो जिस भी व्यू में आप होंगे और जैसे आप ये वाले शॉर्टकट की दबाएंगे Ctrl Alt 0, वो आपका कैमरा व्यू सीन में सेट हो जाएगा। ओके, वही व्यू आपका कैमरा व्यू सेट हो जाएगा।
अब प्रॉब्लम फिर भी वही है कि कैमरा व्यू तो हमारा ये सेट हो गया, पर स्टिल मैं इसको जूम इन जूम आउट नहीं कर पा रहा, ना ही मैं इसको घुमा पा रहा हूँ। तो अब हमें ये कैसे करें? तो उसके लिए आपको क्या करना है, एन प्रेस करना है अपने कीबोर्ड में और जाना है अपने व्यू वाले सेक्शन में। जैसे आप व्यू वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैमरा टू व्यू। देखो इस ऑप्शन को ध्यान से समझना, इसका मतलब होता है कैमरा टू व्यू मतलब आप कैमरा के हिसाब से हम व्यू करेंगे। अभी तक हम देख रहे थे अपने 3D व्यू के हिसाब से, अभी बोल रहे हैं कैमरा टू व्यू, तो इसे हम एक तरीके कहते हैं अनलॉक द कैमरा। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा अब हम कैमरा व्यू के अंदर ही अपने ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट है वो जूम आउट हो गया, मैंने इसको शिफ्ट के साथ थोड़ा ड्रैग किया और आप इसको घुमा सकते हैं विद इन कैमरा व्यू। तो मैंने मान लो ये सेट कर लिया। अब इसमें एक चीज़ और है गाइस, अगर आपको लगता है कि आपके डिजायरेबल जो कैमरा रिजल्ट है वो आ चुका है तो आप क्या करेंगे, फिर से इसको अनलॉक कर देंगे। अदरवाइज क्या होगा, आप इसको अनलॉक नहीं करेंगे जो आपने कैमरा सेट कर रखा है, हो सकता है वो हिल जाए जैसे आप इसको रोटेट करेंगे। तो इस चीज़ का गाइस आप बिल्कुल ध्यान रखें, जब भी आपको लगता है कि आपका कैमरा व्यू सेट हो चुका है आपके अकॉर्डिंग, तो आप तुरंत इस कैमरे को लॉक कर दें। उसके बाद आप जीरो प्रेस करें या ना करें, आप जैसे ही बाहर आएंगे आपका कैमरा व्यू सुरक्षित रहेगा। जैसे आप जीरो प्रेस करेंगे तो रेंडर हमारे इसी व्यू में निकलेगा। ऑल दैट, ये भी बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी जो लोगों को होती है कि हम कैसे कैमरा सेट करें, कैसे अपने अकॉर्डिंग सेट करें, तो ऐसे आप कर सकते हैं। ऑल दैट, हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा बेसिकली वो है इंपोर्ट रेफरेंस इमेज इन दी ब्लेंडर। अब ये क्या चीज़ है गाइस, तो होता क्या है कि कभी कभी हमको ना ब्लेंडर में एज अ रेफरेंस इमेज हमको कोई इमेज चाहिए होती है जिसके ऊपर हम सोचते हैं कि यार मॉडलिंग करें। ऑलराइट, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे को कोई इमेज लेके आनी है जिसके ऊपर मेरे को मॉडलिंग करनी है, तो मैं एक इमेज ले आता हूँ यहाँ पे, मैं बताता हूँ इमेज को कैसे लेके आना है। तो देखिए हमारी इमेज जो है बेसिकली वो हमारी ये वाली इमेज है, मैं आपको दिखा दूँ, हमारी इमेज कुछ ये वाली है। ऑलराइट, तो इस इमेज को हम चाहते हैं कि ब्लेंडर के अंदर इसे रखें, हम इसे फ्लैट करके रखें, उसके ऊपर हम मॉडलिंग करें। तो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ब्लेंडर में जाएंगे। ब्लेंडर में जाने के बाद सबसे पहले आपको इसके लिए एक ऐड ऑन इनेबल करना होता है, उस ऐड ऑन का नाम है इंपोर्ट इमेज एज अ प्लेन। तो कैसे होगा, आपको जाना है अपने एडिट प्रेफरेंस, प्रेफरेंस में जाने के बाद यहाँ पे आपको अपने ऐड ऑन सेक्शन में जाना है और यहाँ पे लिखना है इंपोर्ट इमेज एज अ प्लेन। तो जैसे आप इंपोर्ट लिखेंगे तो आपका वो आ जाएगा इंपोर्ट इमेज एज अ प्लेन। इसको आप यहाँ से चेक कर ले। अब ये करता क्या है काम, आप वो देखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं इसको अभी फिलहाल के लिए यहाँ से हाइड कर देता हूँ, या तो मैं अपने फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ, फ्रंट व्यू में आया और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, शिफ्ट ए प्रेस करूंगा और शिफ्ट ए प्रेस करने के बाद आपको जाना है अपने इमेज सेक्शन में। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा इम्पोर्ट इमेज एज अ प्लेन। अब मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ कि यार हमारे पास ऑलरेडी दो ऑप्शन थे, एज अ रेफरेंस और एज अ बैकग्राउंड। तो आप तो ये भी बोल सकते हो सर हम एज अ रेफरेंस ले आते हैं उसको और एज अ बैकग्राउंड भी ला सकते हैं, हमने ये इम्पोर्ट इमेज एज अ प्लेन ही यहाँ पे क्यों बेसिकली एड ऑन इनेबल किया। तो मैं इसका डिफरेंस बताता हूँ पहले आपको। तो इम्पोर्ट इमेज एज अ प्लेन को यहाँ पे इनेबल करने का जो बेसिकली रीज़न था वो ये था कि अगर आप एज अ रेफरेंस लेके आते हो तो हमारा जो इमेज है बेसिकली वो सिर्फ एज अ रेफरेंस ही रहेगी, आप उसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते। अगर आप एज अ बैकग्राउंड लेके आएंगे तो आपको सिर्फ वो फ्रंट लेफ्ट टॉप बॉटम सिर्फ ऑर्थोग्राफिक व्यू में दिखेगी, पर्सपेक्टिव व्यू में नहीं दिखेगी। ओके, उसकी सेटिंग्स होती हैं, हम उसको चेंज कर सकते हैं, बट मेन चीज़ ये है कि कंक्लूजन ये है कि हम रेफरेंस इमेज हो या बैकग्राउंड इमेज हो इनको हम एडिट नहीं कर सकते। बट अगर मैं इम्पोर्ट इमेज एज अ प्लेन लेके आऊँगा तो हम उस इमेज में एडिट कर सकते हैं। ओके, एडिट करने के बाद हम उसको आराम से उसमें लूप कट ऐड कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको ट्रेस कर सकते हैं, जो हम इन चीज़ों में नहीं कर सकते। देखो कैसे, मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये बोलेगा कौन सी इमेज आपको इम्पोर्ट करनी है। तो हमने बोला जी हमने अभी जो डाउनलोड करी है इमेज वही हमें चाहिए, हमने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज हमारी आ चुकी है। ओके, मैं अपने लेफ्ट व्यू में जाता हूँ और लेफ्ट व्यू में जाने के बाद मैं यहाँ पे मटेरियल व्यू में जाऊँगा। अच्छा, एक चीज़ आपको और बता दूँ कि ये जो हमारे दो इमेजेस हैं रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, ये जो दो इमेजेस हमारी हमें सॉलिड व्यू में भी दिखती हैं, पर जो हमारी इम्पोर्ट इमेज एज ए प्लेन ये हमें हमारे सॉलिड व्यू में नहीं दिखती। इसको देखने के लिए हमें मटेरियल व्यू में जाना पड़ता है। तो मैं जैसे जाऊँगा तो आप देख सकते हैं वो इमेज यहाँ पे इम्पोर्ट हो चुकी है। अब इसका फ़ायदा क्या है, देखो मैं एडिट मोड में जाऊँगा और अपने लेफ्ट व्यू में गया। एडिट मोड में जाने के बाद मैं यहाँ पे अपना नाइफ टूल ले लेता हूँ। नाइफ टूल लेने के बाद मैंने क्या किया, इसको अपने हिसाब से ट्रेस करूँगा। फॉर एग्जांपल कैसे, मान लीजिए मुझे ये ट्रेस करनी है कुछ ऐसे, मैंने इसे ट्रेस करना शुरू कर दिया। ओके, अब मैं इसको ऐसे ट्रेस कर सकता हूँ, मेरे को इसका बेसिक ढांचा मिल जाएगा। देखो बहुत ईजी है इसको ट्रेस करना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। इस चीज़ को भी आप ऐसे ट्रेस कर सकते हो, देखिए काफ़ी सिंपल है। ओके,
अब ये जो हमें बेनिफिट मिला है यहाँ पे इम्पोर्ट इमेज एज अ प्लेन का, ये हम जब रेफरेंस या फिर एज अ बैकग्राउंड करते हैं उसमें हमें ये ऑप्शन नहीं मिलता, और ना ही इतनी फ्रीडम हमें मिलती कि हम इस प्लेन को इसके शेप के अकॉर्डिंग या फिर इसके रेफरेंस के अकॉर्डिंग कट कर सकें। अभी क्या है कि हम इसको इसके रेफरेंस के अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। देखो ऑलराइट, देखिए मैं इस वजह से मूव कर रहा हूँ और ये मेरा हो गया, मैं इसमें एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद अब आप देख सकते हैं अगर मैं 3 प्रेस करूंगा तो ये जो हमारा फेस है, ठीक है, और जो ये हमारा फेस है, देखिए ये हमारा फेस है। हम कंट्रोल आई करेंगे, बाकी को हम डिलीट कर देंगे, डिलीट फेसेस, हमारे पास ये सिर्फ ये फेस बचा, और इसके एडिट मोड में जाके हम इसको एक्सट्रूड करके, ये देखो यहाँ पे हमारे पास एक परफेक्ट, एक लो पोली हमारे पास शॉर्ट या फिर तलवार कह सकते हो बन चुकी है। देखिए कितना ईजी है, तो ये जो ऑप्शन है बहुत इजी हो जाता है, और आप लोगों को लगता है यार हम कितने आराम से इस चीज़ को ट्रेस कर सकते हैं, जैसे हम फोटोशॉप में पेन टूल से ट्रेस करते हैं वैसे हम इसमें ऑब्जेक्ट को ट्रेस कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें आप डिटेलिंग दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, बट आपका एक बेसिक ढांचा, एक बेसिक स्ट्रक्चर वो रेडी हो जाता है। ऑलराइट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल था और बहुत ही मेजर प्रॉब्लम जो लोगों को फेस होती है कि हम कैसे ऐसे कर सकते हैं, बिकॉज और सॉफ्टवेयर भी अलाउ करते हैं पर लोगों को ब्लेंडर में नहीं पता होता, तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर रखा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं, हाइड एंड अनहाइड ऑब्जेक्ट। यस, बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है हाइड और अनहाइड। अब ये क्यों बोल रहा हूँ मेजर प्रॉब्लम, बिकॉज बहुत लोगों को दिक्कत आती है कि वो ऑब्जेक्ट को हाइड नहीं कर पाते। देखो क्या करना होता है, मैं आपको बहुत बहुत आसान तरीके से यहाँ पे ट्रिक बताने वाला हूँ। मैं एक दो ऑब्जेक्ट और ले आता हूँ सीन में, ठीक है, मैं थोड़ा इस क्यूब को मूव कर देता हूँ यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट को मूव कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, हमने जो अभी यहाँ पे तलवार बनाई है इसको भी यहाँ पे हम सेट कर देते हैं, और यहाँ पे एक दो ऑब्जेक्ट और ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया यूवी स्फीयर, और इसको भी साइड कर देते हैं यहाँ पे, और हमने ले लिया यहाँ पे एक मंकी हेड, ठीक है। अब मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक भी स्टेप मिस हुआ तो आप काफ़ी चीज़ मिस कर सकते हैं। तो क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ कि देखो ब्लेंडर में हाइड अनहाइड करना बहुत ईजी है, मतलब इतना ईजी है कि छोटा बच्चा भी कर सकता है, बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए, देखो आपको पहले अपने दिमाग में सेट करना है कि आपको क्या चीज़ हाइड करनी है और क्या चीज़ रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अभी चाहता हूँ कि जो मंकी हेड है सिर्फ ये सीन में रहे, बाकी सारी चीज़ हमारे यहाँ से हाइड हो जाए, ना मेरे को कैमरा चाहिए सीन में, ना ही मुझे ये बाटली चाहिए, ना ही मुझे ये तलवार, ना ही मुझे स्पेयर, ना ही मुझे क्यूब, मुझे सिर्फ ये मंकी हेड चाहिए। तो मैं क्या प्रेस करूंगा, शिफ्ट एच। जैसे मैं शिफ्ट एच प्रेस करूंगा ना तो सब कुछ हाइड हो जाएगा, सिर्फ जो हमारा सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है वो हाइड नहीं होगा। ओके, एंड इसका मैं आपको एक बेनिफिट और बताता हूँ, ये जो ऑप्शन है ना ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्ट मोड में काम करता है, ये आपके एडिट मोड में भी काम करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं इसके एडिट मोड में गया और मान लो मैं इसके आईज पे काम कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, मैंने इसके आईज को सिलेक्ट किया ऐसे कंट्रोल के साथ, मैं चाह रहा हूँ मैं इसके आईज पे सिर्फ काम करना चाहता हूँ, इसके आईज के अंदर के पार्ट में भी काम करना चाहता हूँ, पर अभी तो मैं इसके अंदर का पार्ट नहीं देख पा रहा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा शिफ्ट एच प्रेस करूंगा, तो अब क्या है मेरे पास सिर्फ इसकी आईज आईज है, ओके, बाकी सब पार्ट इसका हाइड हो गया है। तो अब मैं आराम से इसके पीछे आईज में जो भी मुझे मॉडलिंग करनी थी या जिस रीजन से भी मुझे वो चाहिए था, ठीक है, जैसे भी, मैं उसको अब यूज कर सकता हूँ आराम से। ऑलराइट, इसका मतलब क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट है वही हाइड होगा, बाकी ऑब्जेक्ट हाइड नहीं होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है इसको अनहाइड कैसे करें। सो एडिट मोड में क्या होता है कि अगर आप एडिट मोड में हैं, अगर आप टेरेस कर दें, अगर आप ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएं, तो आपका जो हाइड ऑब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिक अनहाइड हो जाता है, पर जैसे हम एडिट मोड में जाएंगे वो फिर से हाइड हो जाएगा। तो आपको इसका ध्यान रखना है, जैसे ही हम एडिट मोड में आपका एडिटिंग हो जाती है तो फिर से आप ऑल्ट एच प्रेस करेंगे तो सारे ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा, उसके बाद आप इसके एडिट मोड से बाहर जा सकते हैं। सेम चीज़ अगर आपको ऑब्जेक्ट मोड में भी सारे ऑब्जेक्ट वापस लाना है तो ऑल्ट एच प्रेस करेंगे तो आपके सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे बाहर आ जाएंगे। ऑलराइट, सेम चीज़ अगर आपको किसी सिंगल ऑब्जेक्ट को हाइड करना है तो उसके लिए आपको इतना लंबा नहीं करना, आपको जैसे ऑब्जेक्ट करना है और एच प्रेस कर देना, जैसे आप एच प्रेस करेंगे वो ऑब्जेक्ट आपका हाइड हो जाएगा। जो ये ट्रिक है ना हाइड और अनहाइड वाली, ये आपने बेसिकली एडिट मोड में भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सेम चीज़ आपको इस आईज पे काम नहीं करना तो आप इसके आईज को सिलेक्ट करें और एच प्रेस कर दें तो आईज इसकी हाइड होगी, बाकी ऑब्जेक्ट पे आप आराम से काम कर सकते हैं। ओके, फिर अगेन आप ऑल्ट एच प्रेस करेंगे तो आपका हाइड और अनहाइड अच्छे से हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बिगिनर्स को आती है कि हम कैसे ऑब्जेक्ट को हाइड करें, कैसे उसको आइसोलेट करें ताकि हम पर्टिकुलर एरिया पे काम कर सकें। अब आते हैं बहुत ही ज्यादा मेजर प्रॉब्लम पे, जो है कि कैसे हम अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर करें अपने ग्रिड के। अब इस चीज को ध्यान से सुनना कि मान लीजिए आपका कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ है कहीं,
ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आपका कहीं यहाँ कहीं है, ठीक है। अब आप चाहते हैं यार ये दोनों ऑब्जेक्ट मेरे सेंटर ऑफ ग्रिड पर आ जाए, पर वो कैसे आएंगे? अब कभी कभी क्या होता है, आप इसे मैनुअली लाने की कोशिश करते हैं, यार सेंटर ऑफ ग्रिड में नहीं बैठ पाता, आप कोशिश करते हैं नहीं मैं बैठा दूंगा, कैसे भी वो नहीं हो पाता, ठीक है। ये तो एक ऑब्जेक्ट है, आप चाहते हैं यार बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट तो उनको एक सेंटर ऑफ ग्रिड लाना, तो कैसे ला सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है, जो आपका ये 3D कर्सर है ना, शिफ्ट के साथ इसे मूव कर सकते हैं, शिफ्ट और राइट कर्सर के साथ इसे आप मूव कर सकते हैं कहीं भी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शिफ्ट एस प्रेस करना है, और सबसे पहले आपको करना है कर्सर टू वर्ड ओरिजिन, फिर अपने कर्सर को ले आओ, कर्सर आपका वर्ड ओरिजिन पर आ गया। अब आपको अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसको आपको वर्ड ओरिजिन पर लेके आना है, आप उसका प्रेस करना है शिफ्ट एस। जैसे आप शिफ्ट एस प्रेस करेंगे फिर से यहाँ पर ऑप्शन आएंगे बहुत सारे, आपको कौन से ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऑप्शन नंबर 7 पे सिलेक्शन टू कर्सर एंड कीप ऑफसेट। इसका मतलब यह है कि जो हमारा सिलेक्शन है वो कहाँ पर पहुंच जाए, जहाँ पे हमारा कर्सर है, पर उसकी जो ऑफसेट है वो कीप रखना है। अभी कीप ऑफसेट क्या होता है पहले मैं आपको ये समझाता हूँ, ठीक है। कीप ऑफसेट मतलब ये होता है कि अगर आप सिर्फ सिलेक्शन टू कर्सर करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच जाएगा, ओके। बट ये तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट का लेता, मान लीजिए आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट है इसी के ही, ये आपके पास तीन चार ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने इसके चार ऑब्जेक्ट बना लिए, मैंने इन चारों को सिलेक्ट करा और फिर दोबारा से प्रेस करा शिफ्ट एस और करा सिलेक्शन टू कर्सर। अब क्या हुआ, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट सेंटर हो गए, किसके कर्सर के अकॉर्डिंग। पर ऐसा तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो यार सारे ऑब्जेक्ट सेंटर चाहिए थे, बट उसी अलाइनमेंट में जो वहां पर रखे हुए थे। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल जेड करेंगे, इसीलिए ये टूल बनाया गया है। शिफ्ट एस करेंगे तो यहाँ पर लिखा आ रहा है सिलेक्शन टू कर्सर बट कीप ऑफसेट। कीप ऑफसेट मतलब इनके बीच की जो दूरी है, ऑफसेट है, जो भी डायमीटर है, दूरी मेजरमेंट डिस्टेंस, वो सेम रहना चाहिए। तो मैं दिखाता हूँ, शिफ्ट एस करूंगा, शिफ्ट एस एंड सिलेक्शन टू कर्सर एंड कीप ऑफसेट, देखो वो सेंटर में भी आ गया और ऑफसेट भी यहाँ पे मेंटेन रहा। अब इसका बेनिफिट एक और बताता हूँ, अगर आप बिगिनर हैं, आपको चाहिए थोड़ा आप स्पीड मॉडलिंग करें, तो उसका एक तरीका बताता हूँ। देखो मान लीजिए आपने कोई ऑब्जेक्ट इम्पोर्ट करा, ठीक है, मान लीजिए आपने एक मंकी हेड इम्पोर्ट करा, यहाँ का इम्पोर्ट है ये, ठीक है, सीन में। अब आप चाहते हैं कि मेरा जो मंकी है ना, ये हमारा जो ये टोकरी है इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये जो हमारी टोकरी है इसके ना अंदर आ जाए, इसको हाइड कर देता हूँ बाकी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। आप ही चाहते हैं ये जो मंकी है हमारा, ये वहाँ जो रखा हुआ है, ये इसके एकदम सेंटर में आ जाए। अब इसके सेंटर में कैसे आएगा, तो आप देख सकते हैं जब मैं इस टोकरी को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इसका एक सेंटर पॉइंट यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस टोकरी को सिलेक्ट करूँगा शिफ्ट एस और करूँगा कर्सर टू सिलेक्शन। अभी मैंने क्या बोला, जो मेरा कर्सर है वो कहाँ पर आ जाए, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पर आ जाए, और वो कहाँ पर आएगा, जहाँ पर उसका ओरिजिन होता है। ध्यान रखना, जहाँ पर उसका ओरिजिन होता है वहीं पर हमारा कर्सर आ जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अपने कर्सर को इसके ओरिजिन पर ले आया, बिल्कुल एकदम बॉटम पे। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और प्रेस करूंगा शिफ्ट एस और करूंगा सिलेक्शन टू कर्सर। तो देखो हमारा मंकी ऑटोमेटिक इस टोकरी के अंदर आ गया। अब आप इसे स्केल कर सकते हैं और आराम से थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, तो ये देखिए। तो ऐसे आप अपने ऑब्जेक्ट्स को कहीं से भी कहीं उठा के ला सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है ये, बहुत ही मेजर प्रॉब्लम जो लोग फेस करते हैं कि कैसे हम ऑब्जेक्ट को मूव करें, वो मैन्युअली कोशिश करते हैं लाने की पर नहीं हो पाता। तो बहुत ही अच्छे ऑप्शन हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताएं। ऑल राइट गाइस, तो ये थे हमारे आज के 5 मेजर प्रॉब्लम्स। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, आपका आधे ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उस वीडियो को एक लाइक करके जाना, मैं समझ जाऊँगा आपको कितना इससे लर्निंग मिली है, और एक कमेंट अच्छा सा। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरीज हैं आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। अगर वो क्वेश्चन अच्छे हुए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड करके और अच्छे से समझाऊंगा, जैसे मैंने ये चीजें समझाई। ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और जो भी नए लोग मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया करके सब्सक्राइब करके जाएं, और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मुझे चाहिए ताकि हम ऐसे ही ब्लेंडर कम्युनिटी को इंडिया में भी ग्रो कर सकें और अपना एक इंडियन लोगों का नाम बना सकें। ऑलराइट, तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम गाइस।